मुरैल पुलिस थाना अंतर्गत दिन दहाड़ी मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी से कुल 70,990 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया। शहर में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाओं में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच तहसील पुलिस थाना अंतर्गत भी ऐसा ही एक चोरी का मामला सामने आया था, जहां फिरियादी निखिल मसराम जयदुर्गा लॉकर के सामने सोनार ओली यह काम के सिलसिले से आया था। वहां रखी हुई गाड़ी पर बैठ के वो फोन देख रहा था, जिस दौरान दो युवक गाड़ी से आए और उसकी आंखों के सामने उसका फोन छीन कर भाग गए। इसकी शिकायत फिरियादी ने दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सूरज कावरे और उसका मित्र आरोपी देवल शेंडे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों से कुल 70,990 रुपए का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। दिनांक 23 फरवरी को दोपहर को फिरियादी निखिल सुरेश मसराम एक कलेक्शन करना रहे कस्टमर से कलेक्शन करते हैं, उस कलेक्शन करने के लिए गरुड़ गली में आए थे। उनके कस्टमर ने उनको थोड़ा रुकने को बोला तो मोटरसाइकिल पर बैठ के मोबाइल खेल रहे थे। उतने भी होंडा डिवो गाड़ी पे दो अज्ञात युवक आके उनका मोबाइल छीन के लेके गए थे। फिरियादी के रिपोर्ट पे पुलिस थाना तहसील में अपराध नंबर 185/2021 कलम 392/34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन PSI वाघ हेड कांस्टेबल समीर शेख इनको दे रहे थे। पैरेलल तपास भी क्राइम ब्रांच कर रही थी। हमारे पतक को आरोपी देवल मधुकर शेंडे उम्र 20 साल ये जो नंदनवन में रहते हैं वो मिल गए और क्राइम ब्रांच के पतक को आरोपी सूरज सिंधुजी कावरे उम्र 20 साल मिल गया। सूरज कावरे ने मोबाइल 3,000 रुपये में एक पांटेले वाले को बेचे थे। गुन्ने में मोबाइल और जो गुन्ने में यूज की होंडा डिओ गाड़ी दोनों जब्त किए हैं और मोबाइल 20,990 रुपये का और होंडा डिओ गाड़ी 50,000 रुपये, ऐसा कुल 70,990 रुपये का माल जब्त किए हैं। प्राइमा फेसी दोनों आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो भी आज उनको विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके उनका PCR प्राप्त करके आगे की जांच की जाएंगी। इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर, पुलिस निरीक्षक बलिराम सिंह परदेसी और पुलिस उप निरीक्षक स्वप्निल वाघ की उपस्थिति में अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।